अगर कुछ नहीं करना होता है सिंपली इसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम इसको प्लेस करना होता है। इस तरह से जब हम इसको प्लेस कर देंगे तो ये बेड बन जाएगा। ये वाला एरिया जो है ये हमारा वॉल की तरफ आएगा, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमारे कुशन, एक इधर कुशन आ जाएगा बड़ा वाला, एक इधर कुशन आ जाएगा। जब आपको सोफा बनाना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको उठाना है और यहाँ पे इस तरह से आपको लगा देना। इसमें आप सभी का स्वागत है। सो अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक सोफ़ा कम बेड तो नहीं था, मतलब वो सोफ़ा था जो कि हमारा नॉर्मली हमारा शिफ्ट करने में डबल बेड बन जाता था, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ी हमारे चैनल के ऊपर। सो आज हमारा ये पीस जो कि अभी मैन्युफैक्चर्ड हुआ है बट अभी पॉलिश नहीं हुआ है, सो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाई जाए, क्योंकि कोई भी अगर आप परचेस करते हो कुछ भी सामान तो कस्टमर के माइंड में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि जो चीज़ हम परचेस कर रहे हैं क्या उसकी क्वालिटी है, क्या वो वर्थ फॉर मनी है, कि हाँ अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारा तो क्या हमें सही में क्वालिटी मिल रही है। तो वही डाउट को दूर करने के लिए आज हमने ये वीडियो आपके लिए स्पेशली इसीलिए बनाया है ताकि आपके माइंड से हमारी तरफ से जो क्वालिटी आप लोगों को दी जाती है उसका डाउट बिल्कुल दूर हो जाए। सो मैं आपको क्लोज से दिखा दूँ, आप देख सकते हैं ये वाला सोफ़ा एल कॉर्नर शेप में है जो कि हमारा शिफ्ट करने पर डबल बेड बन जाता है। सो ये बेसिकली जो बना हुआ है वो सागवान जो कि टीक वुड होती है, प्योर किसी तरह की कोई वुड यूज़ नहीं गई है, सारी सागवान वुड इसके अंदर यूज़ करी गई है। आप देख सकते हैं अभी अनपॉलिश्ड है, बिल्कुल रॉ सोफ़ा है ये, अभी किसी तरह का कोई वर्क इसके ऊपर नहीं किया गया है, सिंपली कंस्ट्रक्ट हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। ये मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद अभी ये यूनिट ऐसे ही रखा है, कुछ टाइम बाद अब ये सीधा पेंटिंग के लिए जाएगा, पेंटिंग मतलब पॉलिश होगा और पॉलिश भी इसके ऊपर जो होगा वो नेचुरल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सागवान वुड है तो इसके ऊपर नेचुरल पॉलिश ही सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। सो मैं पास में आपको देखो एक बार एक चीज़ दिखा दूँ आपको, ये जितनी भी सारी वुडन आप देख सकते हैं ये लगी हुई है, ये सारी सागवान यानी टीक वुड हमारी यूज़ करी गई है इसके अंदर। और ये नहीं कि दिखने में मतलब वीडियोज़ में लगता है, फ़ोटोज़ में लगता है कि कितनी मतलब इसकी थिकनेस है क्या है, आप देख सकते हैं एक आप जितना भी मोल्डिंग्स वगैरह और जितनी भी वुडन यूज़ करी गई है उसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी मोटी है यहाँ से, और हर तरफ से, ये नहीं कि कुछ भी हो। पर एक चीज़ और आप लोगों को मैं डाउट रहता है क्वालिटी, क्या क्वालिटी रहेगी इसकी, तो क्वालिटी के लिए देखिए अभी कोई इसके ऊपर मैट्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं कूद रहा हूँ पूरा, कितना ऊपर कूद रहा हूँ इस पर, आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई इशू नहीं है। हम लोग क्वालिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पर काम कर रहे हैं, सो हम लोगों के माइंड में ये चीज़ रहती है, क्योंकि यहाँ से हम बहुत बहुत दूर अपना माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू सप्लाई करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में यही आती है कि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना वो A1 होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ हमने लो क्वालिटी का यहाँ पर मटेरियल लगाकर प्रोडक्ट बनाया और हमने डिलीवर करा दिया और वो रास्ते में ही जाके मतलब डैमेज हो जाए या उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाए, तो वो चीज़ हम लोग नहीं करते। हम ट्रस्ट के ऊपर काम करते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स हैं उसको हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जब कस्टमर के पास वो डिलीवर हो तो उन्हें लगे कि हाँ हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, जो हमने परचेस किया है वो वैल्यू फॉर मनी है। सो आपने देखिए देख लिया है कि किस तरह से ये एल शेप में है, और इसका साइज़ जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करी जाए तो इसके ऊपर जो मैट्रिक्स डलने वाला है वो डलने वाला है 6 इंच का, तो 6 इंच मैट्रिक्स डलने के बाद जो इसकी सीटिंग पोजीशन आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 18 इंचेस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से जब मैट्रिक्स डल जाएगा तो यहाँ से सीधा आपका जो एक आइडियल साइज रहता है सोफे का वो आ जाएगा 18 इंचेस का, जो भी यहाँ तक आपको मैंने अभी दिखा दिया था वो होने वाला है। देन उसके बाद करें हम सीटिंग एरिया की, कि हमें यहाँ से एल कॉर्नर जब हमारा सोफा बना रहेगा तो हमें कितना सीटिंग एरिया इस साइड में मिलेगा, तो मैं आपको देख ये दिखा दूँ यहाँ से जो हमें सीटिंग एरिया मिलेगा आप देख सकते हैं 8.5 फिट आपको यहाँ से जो एरिया मिलने वाला है वो 8.5 फिट मिलने वाला है, और यहाँ से अगर आप देख सकते हैं इस साइड से तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से पूरा आपका 6 फिट, तो आप
एक आइडिया लगा सकते हैं कि जब आपका एल कॉर्नर सोफा वाला होगा तो 8.5 फीट आपको इस साइड से एरिया मिलेगा, सिटिंग एरिया मिलेगा, और 6 फीट इस साइड से सिटिंग एरिया मिलेगा। तो एरिया आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ये हमारा इनर साइज था। अब मैं आपको आउटर साइज भी बता दूं। बहुत से लोगों का रूम और जो आप जहाँ पे इसको प्लेस करना चाहते हैं वो थोड़ा कंजेस्टेड रहता है, तो उन लोगों को डाउट ना रहे कि वो ऑर्डर तो कर दे बट जब वो अपने घर पर लेके जाए तो उनके वहाँ पे वो प्लेस ही ना हो। तो इस चीज़ के इशू को दूर करने के लिए मैं आपको बाहर से बाहर का साइज जो है वो भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। बाहर से बाहर ये सोफा जो है कितना साइज यहाँ पे ये मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 8.5 यानी 9 फीट आप मान सकते हैं कि बाहर से बाहर ये 9 फीट साइज ऑक्यूपाई करेगा। इस साइड से अगर हम इस साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका 6.5 फीट, आप देख सकते हैं यहाँ से आपका 6.5 फीट यहाँ से ऑक्यूपाई करने वाला है। तो मेनली इस साइड से आपका जो आउट साइज रहेगा वो रहेगा 8.5-9 फीट मान लीजिए, और इधर से आप जो है आउट टू आउट साइज रहेगा वो रहेगा हमारा 6.5 फीट। तो ये आउट टू आउट का था, और इनर साइज मैंने आपको बता दिया है 8.5 इनर साइज रहेगा और इस साइज से 6 फीट रहेगा। तो ये हमारा मेनली इसका जो डायमेंशन थी वो मैंने आपको बता दी थी। और रही बात मैट्रेस की, तो मैट्रेस जो डलने वाला है इसमें वो 6 इंच का डलने वाला है। तो 6 इंच आप एज्यूम कर सकते हैं कि मैट्रेस साइज मिलने वाला है, तो मैट्रेस का भी कोई इशू नहीं है। आप समझ सकते हैं 40 डेंसिटी हम यूज करते हैं, और 40 डेंसिटी आप गूगल पे या किसी भी फॉर्म वाले या फिर आप जिससे चाहे से आप डिटेल्स ले सकते हैं कि 40 डेंसिटी क्या क्वालिटी रहती है फॉर्म मटेरियल में। सो मेनली आज का वीडियो हमारा यही था। अगर आपको इस टाइप का तो एल कॉर्नर सोफा बोल सकते हैं जो कि हमारा बेड में कन्वर्ट हो जाता है, वो मैं अभी आपको इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि आप सरफेस देख सकते हैं यहाँ पर प्लेन नहीं है। ये टाइल्स पे, फर्श पे, जो हमारे घर के अंदर सरफेस रहता है उसमें इतना मस्त स्मूथ काम करता है, हमें कुछ नहीं करना होता है। सिंपली इसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम इसको प्लेस कर लेंगे। इस तरह से जब हम इसको प्लेस कर देंगे तो ये बेड बन जाएगा। ये वाला एरिया जो है ये हमारा वॉल की तरफ आएगा, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमारे कुशन, एक इधर कुशन आ जाएगा बड़ा वाला, एक इधर कुशन आ जाएगा। ये साइड जो है वो वॉल की तरफ लगती है हमारी, तो ये बिल्कुल कवर्ड हो जाएगी। देन यहाँ पे मैट्रेस जब आ जाएगा तो इसका लेवल पूरा सेम हो जाएगा पूरा। आप यहाँ से एंटर कीजिए और सोइए आराम से। जब आपको सोफा बनाना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको उठाना है और यहाँ से इस तरह से आपको लगा देना है। इस तरह से आपका एल कॉर्नर बन जाएगा सोफा। अभी ये सरफेस थोड़ा यहाँ पे मतलब टूटा हुआ है, नीचे इसके प्लास्टिक बफर्स नहीं लगे हुए हैं जो कि रोटेट होने में बहुत हेल्प करते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसकी मूवमेंट देखना कितनी स्मूथली मूवमेंट होती है। तो इस तरह से हमारा ये एल शेप कॉर्नर का जो सोफा है वो बन जाता है। बात आती है इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग जानने के लिए काइंडली आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, हमारे लिए अच्छी बात है कि आप लोग क्वेरी करते हैं। बट डिजिटल ज़माने में मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों से क्वेरी लें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पूरे टाइम कॉल्स आती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर किसी बंदे को रेस्पॉन्स देना, बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप डिजिटली मतलब क्वेरी लेने की कोशिश करें। और मैं आपको बता दूं इसका वेट जो है ना, सीरियसली ये कोई लाइट वेट सोफा नहीं है, लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। आप देख सकते हैं प्योर टोटली वुड में बना हुआ है। आपके सामने हमने पूरा रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ प्रोडक्ट जो होता है हमारा मैन्युफैक्चर होने के बाद वो दिखा दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने आपको ये चीज़ दिखा दी और इसकी सामान हम खोल के कुछ और लगा देंगे, नहीं है। जो चीज़ हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर्ड होती है, जो कंप्लीट प्रोडक्ट निकल के आता है, वही चीज़ मैंने एक्चुअली में कंप्लीट होने से पहले आपको दिखा दिया है, ताकि आपके माइंड में क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी इशू ना रहे। बहुत से लोग कहते हैं हमें मतलब चीप रेट्स बता दें कि हमें इतने में पड़ रहा है, हमें इतने में पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ आपको फाइनल प्रोडक्ट इतने में पड़ रहा है। आपको ये नहीं पता कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करा गया है। तो हम लोग ऐसा काम नहीं करते, भले से ही हम मार्केट प्राइसेस से 19-20 ऊपर पेमेंट ले लेते हैं अपने कस्टमर से, बट हम सर्विस और प्रोडक्ट ऐसा देते हैं कि हाँ उनको कभी भी किसी तरह का डिससेटिस्फैक्शन ना हो, कम्प्लीटली सेटिस्फाइड रहते हैं हमारे कस्टमर्स। और जो भी हमारे साथ शॉपिंग करता है
उन्हें पता है कि हाँ हम किस तरह की सर्विस देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर प्लान कर रहा है किसी भी तरह का फर्नीचर को बाय करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।